हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी नीट 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे यार, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पढ़ रहे होंगे। डिस्ट्रैक्शंस मीन्स रूमर्स, ठीक है, रूमर्स से दूर होकर आप पढ़ रहे होंगे। क्योंकि आजकल मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ यार, मतलब ओरिजिनल न्यूज़ से ज़्यादा रूमर्स ही होते हैं, ठीक है। तो उन रूमर्स को क्लैरिफाई करने के लिए, सब चीज़ों की क्लैरिटी लाने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना यार, बीच बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर जाओगे, ओके? और जो नए व्यूअर्स होंगे, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि कुछ भी छोटी से छोटी अपडेट होती है नीट एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं वो मिस नहीं होने देता, ठीक है। मैं बहुत ही कुछ अलग डालता हूँ चैनल पे, ऐसा कुछ नहीं यार, लेकिन जो भी अपडेट होती है वो मिस नहीं करता मैं, ओके? छोटी से छोटी कुछ भी अपडेट आती है, मैं सबसे पहले आपको वीडियो द्वारा अपडेट कर देता हूँ, ओके? तो जो नए व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को बताना चैनल के बारे में, ताकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोगों का फायदा हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो यार, आज का टॉपिक है कि दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। पहली चीज़ तो नीट पोस्टपोन होगा या नहीं, ठीक है, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, और मैं इस पर मतलब कुछ भी राय नहीं देना चाहता, जो जेन्यून है यार, जो जिस चीज़ की मैंने रिसर्च की उसी चीज़ के बारे में बोलूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को साइड में हटाते थोड़ा। हाँ, तो देखो यार, पोस्टपोन होगी या नहीं, ठीक है, अभी आपकी जो अप्रैल वाली सेशन की एग्जाम है जेई मेंस की, ठीक है, जो बच्चे जेई और नीट दोनों देते हैं उनको पता होगा कि वो पोस्टपोन हो चुकी है, और उनको बोला है कि गवर्नमेंट ने जुलाई एंडिंग तक आपकी एग्जाम हम कंडक्ट कराने का ट्राई करेंगे। अगर सिचुएशन बहुत ही अंडर कंट्रोल हो जाती है तो वो अपनी एग्जाम जून एंडिंग में भी करा सकते हैं, पहली एग्जाम, और जो दूसरी एग्जाम है वो जुलाई एंडिंग में कराएंगे। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती तो वो बोले कि हम एग्जाम जुलाई में पोस्टपोन करेंगे। अगर जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जुलाई में पोस्टपोन हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट जाएगा अगस्त में, ठीक है। तो अगस्त में अगर जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट होता है यार, तो उसके बाद एक से डेढ़ महीने का गैप जरूर मिलेगा, तभी आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी, अगर जेई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होता है तो ये आपकी नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा। चीज़ों की क्लैरिटी आ गई, पहली चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो ये टोटली डिपेंड है जेई की एग्जाम पे। दूसरी चीज़, एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा। तो देखो यार, गवर्नमेंट ने पहली क्लैरिटी ला दी इस चीज़ के बारे में भी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मई एंडिंग या जून के फर्स्ट वीक में आपका शुरू हो जाएगा, आपका नीट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ के बारे में भी बोला यार, जो डेट उन्होंने दी है गवर्नमेंट ने, वो ऑल डेट्स आर टेंटेटिव, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है, ठीक है। तो आप मतलब ये नहीं मान के चल सकते फर्स्ट अगस्त को ही एग्जाम होगी, लेकिन आपकी जो पढ़ाई का टारगेट है वो आप फर्स्ट अगस्त बना सकते हो। चीज़ों की क्लैरिटी आ गई, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि आपकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है। इस चीज़ के बारे में किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। वो इन चीज़ों के बारे में बोलते ही कहा है, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन होगी, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। पहले वीडियो में बोलते एग्जाम पोस्टपोन होगी, दूसरे वीडियो में बोलते एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बीच में आप फंस मत जाना, ओके। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, पिछली बार भी मैंने बच्चों को बोला था कि ऐसे लोगों से दूर रहना, ठीक है। इस बार भी मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे यूट्यूबर्स से दूर रहना, ठीक है, जो पहले वीडियो में बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगी और दूसरे वीडियो में बोलते एग्जाम कंडक्ट होगी 1 अगस्त को। तो आपको भी समझना चाहिए कि ये इस इंसान को कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने इसने बैक टेस्ट किए, कितना सॉलिड रिसर्च है इसके पास, ये सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो गवर्नमेंट मतलब जो यूट्यूबर्स है यार, वो बोलते हैं कि नीट पोस्टपोन, और बाद में जब आप वीडियो देखते हो वहाँ पे उनको लगता है कि वो बोलते हैं कि नीट पोस्ट ग्रेजुएशन की जो नीट होती है वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है। तो उनकी ट्रिक्स देखो यार, ये बाहर थंबनेल पे लिखते हैं कि नीट पोस्टपोन हो गई, ठीक है, बाहर नहीं लिखेंगे वो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की नीट है, वो बाहर नहीं लिखेंगे। जब आप वीडियो के अंदर जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम है, ठीक है, उनको तो व्यूज़ मिल गए। तो इन चक्कर में आप मत पढ़ना, ठीक है। तो एक ही कोई कौन से भी यूट्यूबर्स को फॉलो करो यार, और उसी के साथ स्टिक होके रहना, ठीक है। क्लैरिटी ला दी मैंने दो तीन चीज़ों की, और कौन सी चीज़ बची, बस यही चीज़ है, रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, नीट पोस्टपोन होगी या नहीं, ठीक है। मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया नीट पोस्टपोनमेंट के ऊपर, ठीक है, ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछने लगते हैं, यहाँ वहाँ से सुन के आते हैं, फिर डीएम करते हैं, तो मैं डीएम पे सारे बच्चों को नहीं आंसर कर सकता यार। बहुत सारे बच्चे मतलब बोलते भी कि सर आप बोलते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए हो तो डीएम करो, और आप जवाब ही नहीं देते। ट्राई करता हूँ यार सबको जवाब देने का, ठीक है, लेकिन कुछ बच जाते हैं। आपको भी किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो मेरे सोशल मीडिया जितने हैंडल्स है वहाँ पे मैं बता सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।